गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज गणित की ई क्लास में टॉपिक होगा व्रत। व्रत पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्रत होता क्या है। व्रत होता क्या है, तो आप देखें व्रत क्या होता है, व्रत की परिभाषा क्या होती है। व्रत उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, ये छोटे छोटे बिंदु मिलकर के इनको सबको मिला दिया गया तो ये बिंदुपथ बिंदुओं का रास्ता बन गया, बिंदुपथ बन गया। व्रत उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु, ये इसके अंदर एक निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है। प्रत्येक कहीं भी किसी को मिला दीजिएगा, ये सभी दूरियाँ समान होती हैं, ये सभी दूरियाँ। व्रत उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरियां समान होती हैं। इस समान दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं, यानी और ये जो निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं, निश्चित बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। और इस निश्चित बिंदु से इस पथ के किसी बिंदु को मिला दिया जाए, जैसे ये मिला दिया, ये मिला दिया इस बिंदु से, ये मिला दिया इस बिंदु से, ये मिला दिया इस बिंदु से, ये मिला दिया, ये सारी दूरियाँ समान होंगी। इन दूरियों को हम व्रत की त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया आपका व्रत की परिभाषा, व्रत का केंद्र और व्रत की त्रिज्या। त्रिज्या के बाद अब आता है व्यास। व्यास, व्यास की डेफिनेशन को आप समझ लें। व्यास क्या है? एक ऐसी रेखा जो व्रत के केंद्र से होकर के जाए, एक ऐसी रेखा जो व्रत के केंद्र से होकर के जाए और व्रत को, व्रत की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं पर जाकर के मिले, व्रत का व्यास कहलाती है। और व्रत का व्यास बराबर दो गुणा त्रिज्या, दो गुणा त्रिज्या का दो गुना होता है। देखिए ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, इसको जोड़ दिया जाए तो ये टू टाइम्स हो गई, त्रिज्या का दो गुना। व्यास त्रिज्या का दो गुना होता है। नेक्स्ट देखें, अब ये हो गया आपका व्रत, हो गया व्रत की त्रिज्या हो गई, व्रत का व्यास हो गया, परिधि। परिधि क्या होती है? व्रत अथवा कोई गोलाकार वस्तु, व्रत अथवा कोई गोलाकार वस्तु एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है वो व्रत की परिधि के बराबर होती है। कोई व्रतकार वस्तु एक चक्कर में, जैसे साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया, कोई रिंग एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है वो उसकी परिधि के बराबर होती है, अर्थात व्रत की परिधि। जैसे यहाँ से लेकर ये पूरा, यहाँ से हम जब चलेंगे तो यहाँ से होते हुए और यहीं पर पहुँच जाएंगे, फिर यहीं पर पहुँच जाएंगे हम, ये एक पूरा चक्कर हो जाएगा, इतनी दूरी व्रत की परिधि कहलाती है। नेक्स्ट, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कोई एक ऐसी रेखा, कोई एक ऐसी सरल रेखा जो व्रत के किसी एक बिंदु से होकर के गुजरे, ये है व्रत का एक बिंदु, और इसको स्पर्श करती हुई जाए, इस केवल एक बिंदु को यहाँ पर स्पर्श कर रही है, एक बिंदु को ऐसे स्पर्श करती हुई जाए तो ये ए बी, ये स्पर्श रेखा कहलाएगी आपकी, तो ये होगी आपकी स्पर्श रेखा। नेक्स्ट, छेदक रेखा। कोई व्रत है आपका, ये रेखा है ए, व्रत की छेदक रेखा होगी ये, कोई एक ऐसी सरल रेखा जो व्रत को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ये दो बिंदुओं पर, एक स्थान पर यहाँ और एक स्थान पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, इसको छेद करके बाहर निकल रही है, तो ये कहलाएगी आपकी प्रतिच्छेदी रेखा अथवा छेदक रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा अथवा छेदक रेखा, ये दोनों सेम है। अप्रतिच्छेदी रेखा, जैसे ये रेखा, एक ये रेखा है, ये व्रत को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इस तरह की ये रेखा कहलाएगी आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा, और ये आपकी हो गई स्पर्श रेखा। देखिएगा व्रत हो गया, एक बार फिर समझ लीजिएगा, व्रत
उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है, उस निश्चित बिंदु को हम व्रत की केंद्र कहते हैं और उस समान दूरी को हम व्रत की त्रिज्या कहते हैं। व्रत का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। अर्थात कोई गोलाकार वस्तु, कोई वृत्ताकार वस्तु, कोई रिंग के आकार की वस्तु एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है वो उसकी परिधि के बराबर होती है। छेदक रेखा एक ऐसी सरल रेखा जो व्रत की परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसकी छेदक रेखा कहलाती है। अप्रतिच्छेदी रेखा जो व्रत को कहीं भी प्रतिच्छेद न करे। स्पर्श रेखा जो व्रत के परिधि पर किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हुई गुजरे वो आपकी स्पर्श रेखा कहलाई जाती है। व्रत पर असंख्य रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और व्रत के किसी भी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। व्रत क्या है? असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ है, तो प्रत्येक बिंदु से, व्रत के प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है पूरे व्रत पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, जितने बिंदु हैं प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन व्रत के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे आपसे। देखिएगा ये जीवा, व्रत की जीवा ये क्या होती है? ये कोई आपका एक व्रत है और ऐसी रेखा जो व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं पर मिले, व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं पर मिले ये व्रत की जीवा कहलाती है। ये व्रत के एक बिंदु पर ये और एक बिंदु पर ये व्रत का केंद्र। व्रत के केंद्र से इस रेखा पर एक लंबवत रेखा खींची जाए, एक लंबवत रेखा खींची जाए तो ये इस जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइडेड करती है। कंडीशन ये है कि ये लंबवत होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए यहाँ पर ये, तो ये इस जीवा को दो भागों में डिवाइड करेगी।